हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेके स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर आप अपना स्टोर खुद खोलना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड खुद डेवलप करना चाहते हैं, किस टाइप का बिजनेस या तो फ्रेंचाइजी बिजनेस अच्छा है आपके लिए या फिर अपना स्टोर खोलना वो अच्छा होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और एक केस स्टडी भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये आप ही का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करके और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नई जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस टाइप की आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए वो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल की तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल बेसिकली होता क्या है कि उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी कि आप 50,000 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2,00,000 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 के बिजनेस से आप 1,00,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, 2,00,000 के बिजनेस से आप 10,00,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। इस टाइप के जो मॉड्यूल है या इस टाइप के जितने भी फ्रेंचाइजी एडवर्टाइजमेंट है या फिर जो भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो आप खुद दिमाग लगाइए कि आप सिर्फ 50,000 रुपये अगर लगाते हैं तो आप 1,00,000 रुपये कैसे कमा सकते हो। नहीं कमा सकते हो, 1,00,000 रुपये कमाने के लिए कम से कम 10,00,000 रुपये आपको लगाना पड़ेगा मार्केट में। ये एक बिजनेस का सिंपल सा रूल है कि आप 10,00,000 रुपये अगर मार्केट में लगा रहे हो और एवरी डे का अगर 50,000 का आपका सेल है तो उस पर आप 15% ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप जनरल स्टोर या फिर मिनी मार्ट या फिर मेडिसिन स्टोर या फिर रेस्टोरेंट या किसी भी टाइप के पार्लर को खोलते हो या कोई भी स्टोर खोलते हो तो जो 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी स्टोर हैं मैक्सिमम सारे स्टोर की यही ग्रोथ होती है कि आप 10,00,000 रुपये लगाओ और 15-25% तक प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो। सिंपल सा एक यूनिवर्सल थंब रूल है। इस पे मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि क्या फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर अपना ब्रांड खुद डेवलप करके अपने ब्रांड अपना स्टोर खुद ओपन करके अपने ब्रांड के बिहाफ पे ही स्टोर को चलाना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर चीज़ बता दूं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसका फ्रेंचाइजी लेकर आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कुछ ऐसे बिजनेस हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं, जैसे पिज़्ज़ा हट है, मैकडी है, इस सब टाइप के जो मॉड्यूल है फ्रेंचाइजी का उसे अगर आप लेते हैं तो उससे प्रॉफिट एक अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इनका जो बिजनेस स्केल है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 1,00,000 रुपये नहीं है, वो 50,00,000 रुपये है, 25,00,000 रुपये है। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं अगर एक छोटे लेवल पे आप अपना स्टोर ओपन करना चाहते हैं और छोटा सा फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी है। जैसे अगर आप कोरियर में चले जाते हैं, कुरियर सर्विस की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, वो एक बिकॉज उनका नेटवर्क बड़ा है, उनकी बिजनेस मॉड्यूल अलग है, तो उस टाइप के बिजनेस में अगर आप जाते हैं फ्रेंचाइजी में तो प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आप एक जनरल स्टोर या फिर मिनी मार्ट या किराना स्टोर या फिर एक छोटे से टेक अवे या रेस्टोरेंट, इन सब के फ्रेंचाइजी लेके आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। इन सब के फ्रेंचाइजी लेके आप पैसे कमा के फ्रेंचाइज देने वाले को कमा के देंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक केस स्टडी है, सिंपल सा छोटा सा केस स्टडी मैंने किया है एज ए एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप एक अमूल का पार्लर खोलना चाहते हैं, राइट? एक अमूल का छोटा सा पार्लर खोलने के लिए आपको 150 से 300 स्क्वायर फिट की जगह चाहिए होगी। देखिए अमूल के पार्लर में भी दो टाइप के पार्लर होते हैं, एक सिटिंग होता है, एक टेक अवे होता है, मैं टेक अवे की बात कर रहा हूँ। तो आपको 150 से 300 स्क्वायर फिट की जगह की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है अमूल खुद अपने वेबसाइट पे बोलता है या फिर गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, वो बोलता है
2 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। 2 से 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में मंथली आप 5 से 10 लाख रुपए की सेल कर सकते हो। 5 से 10 लाख रुपए की सेल में दूध, बटर, ये सब आइटम जो होते हैं उस पर तकरीबन 10% की प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलती है। यानी कि आप 100 रुपये का सेल करोगे तो 10 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ अगर आप एक छोटा सा पार्लर, टेक अवे पार्लर खोल रहे हैं अमूल का, तो उसके साथ आप फ्रोजन आइटम्स भी रख सकते हो, जैसे कि योगर्ट्स हो गया, फ्रोजन आइसक्रीम हो गया, ये भी आप सेल कर सकते हो। उस पर तकरीबन 20% के आसपास की मार्जिन आपको मिल जाती है, जो कि अमूल खुद बोलता है, बिजनेस मॉड्यूल है जो उसने आपको दिया है। लेकिन आप खुद सोचो कि आप 2.5 लाख रुपये तो इन्वेस्टमेंट है, जो कि अमूल के प्रोडक्ट्स, अमूल का इंस्ट्रूमेंट, अमूल का इंटीरियर, ये सब करने में आपको खर्च होगा। उसके अलावा जो हिडन खर्च है, हिडन इन्वेस्टमेंट है, वो है आपको एक रेजिडेंशियल एरिया में जगह लेनी पड़ेगी 150 से 300 स्क्वायर फीट, यानी कि आपको 20 से 30 हज़ार रुपये अगर किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप स्पेस लेते हैं तो आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये आपके जो है रेंटल में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपके जान पहचान में है कि भैया 5 हज़ार में आपको रेंट पे मैं दे देता हूँ, जहाँ पे भैया 1,000 फैमिली रह रही है, वो तो भूल जाओ आप, ठीक है। और ये चीज़ आप गाँव में जाके खोलोगे तो वहाँ तो चलनी नहीं है। तो आपको एक मिडिल क्लास या फिर एक अच्छे रेजिडेंशियल एरिया में आपको स्पेस ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये आपको रेंटल लग जाएंगे, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी ढूंढ लो, ठीक है। दूसरी बात है कि उसमें आप बाउंड हो कि सिर्फ अमूल का ही सामान बिक्री कर सकते हो, वो एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, ठीक है। अगर वहाँ पे दूध अगर मान लीजिए कि 50 पैकेट बिक्री हुआ तो बस आप अमूल का ही बिक्री कर सकते हो, आप मदर डेयरी का बिक्री नहीं कर सकते हो या किसी और ब्रांड का बिक्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अमूल का फ्रेंचाइजी मॉडल आपने ले रखा है। आपका पैसा, आपने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, ब्रांडिंग किसकी हो रही है, अमूल की हो रही है, सामान किसका बिक्री कर रहे हो, सिर्फ अमूल का बिक्री कर रहे हो, आप बन चुके हो। डीप फ्रीजर किसका है, आपका है, लेकिन उस पर ब्रांडिंग किसकी है, अमूल की है, आप उसमें किसी और कंपनी का प्रोडक्ट नहीं डाल सकते। तो ये सारी जो पाबंदियाँ हैं वो आपके ऊपर लागू हो जाती है। अब बात करते हैं कि आप ही के किसी दोस्त ने सेम चीज़ 2-2.5 लाख रुपए लगा के एक छोटा सा स्टोर खोला, ठीक है। उसमें उसने अमूल का भी सामान रख लिया, बिकॉज उसका खुद का ब्रांड है, उसने अमूल के डीलरशिप से बात की, सप्लायर से बात किया, उसने अमूल का भी रख लिया, मदर डैडी का भी रख लिया, उसने थोड़ी ग्रोसरी आइटम भी रख ली, उसने आइसक्रीम अमूल, मदर डैडी, क्रीम बेल तीनों के रख लिए, एक ही डीप फ्रीजर है उसके पास, उसने तीनों के भर रखे हैं। अब कस्टमर वो फिक्स थोड़ी ना है कि कस्टमर आएगा और बोलेगा मुझे सिर्फ अमूल ही खाना है भैया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई कस्टमर उसको क्रीम बेल पसंद हो सकता है कोई किसी कस्टमर को मदर डेरी का आइसक्रीम पसंद हो। तो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको फ्लैक्सीबल बनना है, आपको चीज़ें वहाँ पर फ्लैक्सीबल रखनी है। तो फ्रेंचाइजी लेना बुरी बात नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, और मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप फ्रेंचाइजी मत लीजिए किसी का भी, लेकिन आप खुद सोचिए आप फ्रेंचाइजी लेके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं या फिर आप अपना खुद का ब्रांड ओपन करके, आप अपने नाम पे एक स्टोर ओपन करके, वहाँ पे मल्टीपल वैरायटी रख के वहाँ पर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हो सकता है कि अमूल जो है 20% का ही प्रॉफिट मार्जिन दे रहा हो, क्रीम बेल हो सकता है 25% का स्कीम लेके आया हो आपके पास कि आप अगर उनका आइटम बिक्री करो तो 25% आपको प्रॉफिट हो। ये सारी चीज़ें आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे हो गया, गूगल पे हो गया, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में ब्लॉग लिखा हुआ है कि आप फ्रेंचाइजी लीजिए, इसमें इतना परसेंट प्रॉफिट है। यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों ने अमूल के या फिर पर्टिकुलर ब्रांड के, मदर डैडी के, क्रीम बेल के, पर्टिकुलर ब्रांड के फ्रेंचाइजी के बारे में आप लोगों को बताया है। तो मैं ये चाहता था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बात की जानकारी पूरी होनी चाहिए कि अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड को लेके चलते हैं जो कि उनका खुद का ब्रांड नहीं है,
तो उनको क्या नुकसान हो सकती है, और अगर वो अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, अपने ब्रांड को लेके चलते हैं, उसमें मल्टीपल ब्रांड को ऐड करके अगर काम करते हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी कितनी हाई हो जाती है प्रॉफिट मार्जिन की भी और सक्सेसफुल बिजनेस रन करने की भी। दूसरी चीज़ है, किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल में सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट ही बताया जाता है, रनिंग अमाउंट, रनिंग जो कैपिटल है उसकी नॉलेज आपको नहीं दी जाती है। बहुत कम ऐसे बिजनेस है जिसमें आपको ये भी बताया जाता है कि आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, उसके बाद 5 लाख रुपए आपको रनिंग कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, कोई भी फ्रेंचाइजी अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो जितनी अमाउंट अगर वो बताता है कंपनी कि भैया आपको ये फ्रेंचाइजी या ये इस डीलरशिप का 50,000 या 5 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका उसके बाद जो हिडन खर्चे हैं, जो हिडन इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि स्टाफ हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, ये सारी जो इनविजिबल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या फिर रनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है, वो भी आप ही को अरेंज करना है। तो जब तक वो अरेंज नहीं होगा, तब तक आप बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आप हर चीज़ में जो इंटीरियर है उसमें कम कर सकते हैं, आप कहीं सस्ते जगह पे ले सकते हैं, आप ब्रांडिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऑफ़र अपने हिसाब से अपने स्टोर पे निकाल सकते हैं, वैरायटी आप अपने हिसाब से अपने स्टोर पे रख सकते हैं। कस्टमर को अगर ज़्यादा वैरायटी, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट अगर आपके स्टोर पे हैं, चाहे आपका स्टोर छोटा ही क्यों ना हो, तब भी कस्टमर आपके पास ही आना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू एक पर्टिकुलर ब्रांड के पार्लर पे या पर्टिकुलर ब्रांड के स्टोर पे जाने के बजाय। अगर जब तक वहाँ पे उनको कोई काफ़ी अच्छा डिस्काउंट या ऑफर नहीं मिल रहा है, तब तक वो आपके पास ही आना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी पार्लर पे या किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे जो है अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके पास डिस्काउंट ऑफर नहीं आएगा, बिकॉज सेम कंपनी से, सेम डिस्ट्रीब्यूटर से उसके पास भी सामान आ रहा होगा और आपके पास भी सेम सामान ही आ रहा होगा, सेम प्रोडक्ट ही आ रहा होगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ नेगेटिव पॉइंट्स को, इन्वेस्टमेंट को लेके, रिटर्न्स को लेके, जो भी इनविजिबल पॉइंट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं या फिर आगे वाले हमें बताते नहीं हैं, उनको स्पेशली नोट डाउन कीजिए, उनको खोजने की कोशिश कीजिए और खुद से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप रिसर्च कीजिए। जिस भी बिजनेस में आप अपने आप को उतारना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस के बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। और दूसरी बात कि आज से हमारे चैनल पे एक दूसरा सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है Top 5 कैटेगरीज का, जिसमें हम Top 5 यूनिक आइटम्स या फिर Top 5 आइटम्स का रिव्यू करेंगे, उसका भी वीडियोस आज से जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे भी क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद।